विधानसभा में आज फोन टैपिंग का मामला जमकर गूंजा। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के दौरान फोन टैपिंग के मुद्दे पर खुली बहस हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया सहित अन्य विधायकों ने अपना पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस मामले पर जवाब दिया। विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि आज हर विधायक में डर का माहौल बना हुआ है। ये क्या सबूत से कम है? सबूत एक ने अनेकों है, और इस बात की पुष्टि भी होती है कि आज हर मान्य विधायक इस बात से भयभीत है। अगर कोई बात अपने निजी जीवन के बारे में भी कोई व्यक्ति करता है तो वो भी कहता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आके करो। इतना डर के माहौल के अंदर सरकार, जिस तरीके से सदन के नेता ने विधानसभा के अंदर कहा था कि फोन टैपिंग जैसी कोई प्रकरण नहीं हुआ, लेकिन सरकार जवाब के अंदर कह रही है कि हाँ बिल्कुल फोन टैपिंग करते हैं और होते आए हैं, लेकिन नियमों के अंदर आप करो तो बात समझ में आती है। प्रदेश की सुरक्षा से अगर जुड़ा हुआ कोई विषय है तो आप फोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई अपराधी व्यक्ति को अगर पकड़ना हो फोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि को ब्लैकमेल करने की मंशा रखते हुए अगर कोई फोन टैपिंग करता है, मेरे ख्याल से अनुचित है।